हेलो एवरीवन, टैरिट विद एम सिंह में मेरे सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, यह है करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन इन नेक्स्ट 48 आवर्स। आने वाले 48 आवर्स में क्या आपके पार्टनर फील करेंगे, क्या आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं, क्या आपसे बात कर सकते हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, ये रीडिंग मैं आज करूँगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके लिए ईजी हो जाए इसलिए दो पाइल्स रखी हैं। पहली पाइल है ए से एम। अगर आपके पार्टनर का नाम ए से एम के बीच में आता है तो आप पाइल नंबर 1 चूज़ करेंगे। अगर आपके पार्टनर का नाम एन से जेड के बीच में आता है तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ करेंगे। ठीक है, इससे आपके लिए इजी हो जाएगी। सो एन से जेड पाइल नंबर 2। सो टाइम स्टैम्प कई लोगों को नहीं पता चलता है। आपकी पाइल का जो भी टाइमिंग है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्टली उस पर जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग करूंगी। पाइल नंबर 2 को अभी मैं साइड में रख रही हूं। देखते हैं जिनके भी पार्टनर का नाम ए से एम तक है क्या चल रहा है उनके लाइफ में, करंट सिचुएशन क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें करंट सिचुएशन ए से एम के बीच में। जिनके भी पार्टनर्स के नाम हैं उनकी करंट सिचुएशन पे एक कार्ड आया है, एक कार्ड ये भी आना चाहता है। फाइन, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वैंड्स। जजमेंट द एम्परर, थ्री ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स एंड सिक्स ऑफ वैंड्स। करंट सिचुएशन, इस डेक से भी मैं 4 कार्ड्स लूँगी। ओके, 4 आ गए। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इन्हें भी मैं अरेंज कर दूं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। वाओ, कंफर्मेशन हो गया, 2 अलग डेक से सेम कार्ड्स आए हैं। डेफिनेटली कॉल मैसेज आने वाला है, आप लोगों को बात हो सकती है आपके पार्टनर से। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली आप दोनों की सिचुएशन एंड हुई है, किसी रीज़न से बातचीत बिल्कुल ख़त्म है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। डेथ का कार्ड आया है, डेफिनेटली एंडिंग हो चुकी है आप लोगों में। यहाँ पे टावर का कार्ड आया है, साथ ही साथ यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। रीज़न क्लियर है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में झगड़ा हुआ है। डेफिनेटली कार्मिक सिचुएशन है, हो सकता है थर्ड पार्टी उनके फैमिली हो सकता है थर्ड पार्टी कोई और पर्सन हो उनके लाइफ में, हो सकता है कि थर्ड पार्टी कास्ट इशू हो, रिलीजियस फैक्टर हो, कुछ तो है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको बहुत हर्ट किया है, खुद भी बहुत हर्ट है। उनकी करंट सिचुएशन है, जगल कर रहे हैं, दो सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेक थ्रू आया है, लेकिन बात कर सकते हैं बहुत जल्द, कॉल मैसेज आ सकता है आपके पार्टनर का आपको। ठीक है, साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि अगर टावर मोमेंट आया है तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग भी आएगी। हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हों तो वहाँ पे भी वो खुश नहीं है, वहाँ पे भी टावर मोमेंट आ रहा है। डेफिनेटली आपकी तरफ आने के लिए शायद वो कुछ ख़त्म करने वाले हैं, प्रोसेस में है,
ये जो जगलिंग फेज़ है ये ख़त्म करने वाले हैं। ऐसी सिचुएशन है पाइल नंबर वन। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है किसी की हेल्थ पे भी आ गई हो, हो सकता है उनकी हेल्थ ख़राब हो या उनके फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब हो या आपकी हेल्थ ख़राब हो। कुछ तो है यहाँ पे बैलेंस, पेशेंस रखिए, आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। आपने उनकी बहुत केयर की है, उनको पता है ये बात, आपने उनकी बहुत केयर की है, बहुत रिस्पेक्ट की है, आपको एडमायर करते हैं, आपको एक विश की तरह समझते हैं, विश फुलफिलमेंट मानते हैं, होप नहीं हारी है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ से भी हमारे पास एस ऑफ वैंड्स आया है, यहाँ से भी हमारे पास एस ऑफ वैंड्स आया है, डेफिनेटली कन्फर्मेशन है, सेम सेम कार्ड्स आए हैं, इसीलिए मैंने दो डेक से चेक किया है फॉर कन्फर्मेशन। डेफिनेटली आपको कॉल मैसेज आएगा, आपके साथ न्यू पैशनेट बिगनिंग करेंगे। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ क्विकली आना चाहते हैं। अगर पेरेंट्स की वजह से रुके हुए थे तो यहाँ पे हो सकता है जजमेंट का कार्ड आया है। डेफिनेटली हमारे पास जस्टिस का भी आया, जजमेंट का भी आया। कुछ तो यहाँ पे ऐसा है, या तो आपके पार्टनर आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं अगर पेरेंट्स ना माने तो, या तो अगर ऑलरेडी किसी के साथ इंगेज्ड हैं, मैरिड हैं, तो वहाँ से वो निकलना चाहते हैं। वो खुश नहीं है उस एनर्जी में, पूरी तरह से अपने ऊपर फोकस्ड हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अभी तक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, स्टेबल कमिटमेंट आपको उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन बहुत जल्द वो आपको कॉल मैसेज करेंगे और आपको जो भी बातें हैं वो क्लियर करेंगे, ठीक है, बात करेंगे आपसे। ये उनकी करंट सिचुएशन है, डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं देखती हूँ नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं वो आपको लेकर। पाइल नंबर वन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। जिनके भी पार्टनर का नाम ए से एम के बीच में आता है, आने वाले 48 आवर्स में क्या कोई एक्शन ले सकते हैं, कमिंग 48 आवर्स, या कब तक लेंगे, क्या सिचुएशन है, प्लीज गाइड करें। ओके, सेवन सेवन, किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, हो सकता है किसी तरह का एडिक्शन हो आपके पार्टनर को, आपको उन्होंने बहुत हर्ट किया है, लेकिन अब अपने ऊपर फोकस्ड हैं, काम कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपके हिसाब से बनना चाहते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके लिए सेवन नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, डेफिनेटली इंतज़ार कर रहे हैं वो सही मौके का, परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, दिमाग पे बहुत जोर दे रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि किसी तरह की सच्चाई, किसी तरह की ट्रूथ अपने पेरेंट्स से बता रहे हैं, या उनको आपके बारे में या आपको उनके बारे में कुछ पता चला है, किसी बात को लेके हो सकता है बहस हुई हो, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगेन नंबर सेवन, सेवन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। पाइल नंबर वन, आपकी विश पूरी होगी, आपके पार्टनर आपके लिए डेफिनेटली स्टैंड लेंगे, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, सोल कनेक्शन है आप दोनों का, म्यूचुअल लव है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही उन्हें मिस कर रहे हो और आप ही वो शो नहीं करते हैं, अपने अंदर दबा के रखते हैं, लेकिन डेफिनेटली अपने दिमाग पे बहुत जोर दे रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है, स्टैंड कैसे लेना है, कैसे बातचीत आगे बढ़ानी है, सब कुछ सोच रहे हैं, और परफेक्ट टाइमिंग पे आपका रियूनियन निश्चित होगा, ठीक है। सो सेवन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पाइल नंबर वन। देखती हूँ यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा, अ टाइम फॉर हीलिंग, अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। डेफिनेटली आपके लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन होने वाली है, हील करते रहिए खुद को, अपने अंदर जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको निकालिए बाहर, और एक
बहुत खूबसूरत क्लाइमेक्स आपके लाइफ में आने वाला है। और देखते हैं एंजल्स क्या बोलते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, कॉम्प्रोमाइज, लिसन टू योर इंट्यूशन। वन मोर कार्ड एंजल, वन मोर कार्ड। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। बॉटम से है मेडिटेशन, मेडिटेशन करिए, अपने दिमाग को कूल रखिए। यहाँ से मेडिटेशन आया, यहाँ से हीलिंग आई, मीन्स एंजल्स चाहते हैं कि आप खुद को सुकून दें। मेडिटेट करें, मैनिफेस्ट करें, अपनी इंट्यूशन की सुने, इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। सही इन्फॉर्मेशन देखें, और किसी सिचुएशन में हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, बैलेंस लाने की ज़रूरत है। सिचुएशन में जगल नहीं करना है, बैलेंस रहिए, ठीक है। सो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल टैरेट विद एम सिंह को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2, जिनके भी पार्टनर के नेम एन से जेड के बीच में आते हैं, ठीक है, फर्स्ट लेटर, अब मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। देखती हूँ आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या रहने वाली है आने वाले 48 आवर्स में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एन से जेड तक जिनके भी पार्टनर्स के नाम हैं, करंट सिचुएशन। ओके एक कार्ड ये भी आना चाहता है। दिस इज माई लास्ट शफल एंजल्स, अगर और कोई कार्ड आना चाहता है तो आ जाए। फाइन, बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ पेंटिकल्स। मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में आपके पार्टनर ने। इस समय बहुत टाइम अपने काम को दे रहे हैं, अच्छी बात है। पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। देन हमारे पास है द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून, सेलिब्रेशन, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। इससे भी कुछ कार्ड्स लेते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें। जिनके भी पार्टनर के नाम एन से जेड के बीच में आते हैं उनकी करंट एनर्जी। ओके, वाओ, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। कार्ड्स अरेंज कर दूं फिर रीडिंग शुरू करते हैं। साइंस बता दूं मैं आप सभी को, यहाँ पे एक्वेरियस, लेब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सभी साइंस यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जिनके भी नाम एन से जेड के बीच में हैं, यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर हो सकता है किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जिसमें आपके पार्टनर परेशान हैं, स्टक हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, हर कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, बच्चे, हैप्पीनेस, सुकून भरी लाइफ चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली दो कंडीशंस हैं। ये देखिए, यहाँ से भी मैं देख पा रही हूँ, यहाँ से भी मैं देख पा रही हूँ, ये भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। देखिए इन कार्ड्स को अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली
मैं बता सकती हूँ कि आपके पार्टनर और आपके बीच में टावर मोमेंट आया है। टावर मोमेंट मतलब कि ब्रेक थ्रू, ख़त्म हुआ है सब कुछ, ठीक है। पहला कार्ड द शैडो साइड, डेविल का कार्ड है। डेफिनेटली उन्होंने आपको हर्ट किया है बहुत ज़्यादा, आप रोए हैं, परेशान हुए हैं, आपने बहुत दिक्कतें सही हैं इनकी वजह से। सब कुछ आपने सहा है, झेला है, लेकिन इनका बुरा नहीं चाहा। इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया, आपको हर्ट किया, आपको रुलाया, किसी तरह के एडिक्शन में रहे, एटीट्यूड रहा, ईगो रहा, स्टबर्न नेचर रहा, टॉक्सिक बिहेवियर रहा, प्यार भी किया, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे आपको लेकर, केयरिंग रहे, लेकिन साथ ही साथ इनका नेचर एक डेविल की तरह था। डेफिनेटली आपको हर्ट किया है। अब इन्हें पता है, इस हर्ट की वजह से हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया हो, ब्रेकअप हो गया हो, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से भी आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आया है टू ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ऑप्शंस हैं, हो सकता है वो आपसे मूव ऑन कर लिए हों, ब्रेकअप कर लिया हो, किसी और से शादी कर ली हो सकता है मैरिड हो आपके पार्टनर, या ऑलरेडी पहले से मैरिड रहे हों, विडो हो, सिंगल पेरेंट हो। अगर सिंगल हैं तो भी उनके लाइफ में दो सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन पैसा है और फैमिली है। फैमिली नहीं मान रही है, कास्ट इशू है, रिलीजियस फैक्टर है, ये मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आया है जगल। जगल कर रहे हैं वो, बहुत ज़्यादा बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर मैं इन कार्ड्स को देखूँ तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि खुश नहीं है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। जस्टिस होगा आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि वो मैजिशियन का कार्ड आया है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। मुझे यहाँ पे द सन का कार्ड आया है, जो ये प्रूफ कर रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। द सन का कार्ड का आने का मतलब यही है कि आपकी लाइफ में कंप्लीशन होगा, हैप्पीनेस होगी, आपकी फैमिली कंप्लीट होगी। अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं और खुश हैं तो आपको मूव कर जाना चाहिए। अगर वो मैरिड हैं और खुश नहीं हैं, आपके टच में हैं और वो वहाँ से, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड आया है, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो स्टेप लेंगे, आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपके साथ ही उनको हैप्पीनेस मिलती है, और डेफिनेटली हर इंसान को खुश रहने का पूरा हक है, ठीक है। यहाँ से भी मैं क्लैरिफाई करूँ तो आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ, यहाँ से वो जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, एक दूसरे को आप लोग जानते हैं, आपके लिए होप रखी है उन्होंने, आपका वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग पे चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। एक साइकिल चल रही है जो आपकी कर्मा की साइकिल है। हर इंसान का अपना पास्ट लाइफ कर्मा होता है, पास्ट लाइफ कर्मा है, आपको कुछ चीज़ें सीखनी है, लाइफ लेसन्स लेने हैं, उन्हें भी लेने हैं। ये सब चक्कर जब ख़त्म होगा, आप दोनों का रियूनियन निश्चित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब मैं देखती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं पाइल नंबर टू के पार्टनर, पाइल नंबर टू के लिए। ओके एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, जिनके भी पार्टनर का नाम एन से जेड के बीच में आता है, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आने वाले समय में, स्पेशली नेक्स्ट 48 आवर्स में, प्लीज़ गाइड करें। ये सभी टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स का मतलब ये नहीं है कि कोई अगर दो महीने बाद इस रीडिंग को देखेगा तो वो रेजोनेट नहीं करेगी। ये जिनके भी सामने जब भी आएगी वो उन सिचुएशन से रेजोनेट करेगी उनके आने वाले 48 आवर्स में। पहला कार्ड है बेस चक्रा, टैरो से भी हमारे पास आया था कि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, पैसों को लेकर काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, और यहाँ से भी आया है जो क्लियर करता है कि वो इस समय पूरा फोकस अपने ऊपर दिए हुए हैं। अगेन डेविल, डेफिनेटली कुछ कर्मा है जो उन्हें पूरा करना है। बेस चक्रा, अगेन सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, डेस्टिनी। यहाँ आप लोगों की बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है, ये मैं देख पा रही हूँ। आने वाले
कुछ समय तक हो सकता है वो आपसे अभी बातचीत ना करें, लेकिन बहुत जल्द वो आपकी तरफ आएंगे। सिक्स नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है 6 फरवरी, हो सकता है 6 डेज, 6 आवर्स, 6 वीक्स, ठीक है। इस समय पूरा फोकस उन्होंने अपने बेस चक्रा पे लगाया हुआ है, क्योंकि उनको उनका बेस चक्रा हील करना है। बेस चक्रा हील करना है मतलब उनको बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, अपने बिजनेस पे, अपने करियर पे, जॉब पे बहुत फोकस्ड हैं इस समय, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, सही समय आने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सही समय डेस्टिनी का कार्ड आया है। आप दोनों की डेस्टिनी एक है। इस समय बातचीत बंद है, पूरी तरह से सरेंडर किया हुआ है भगवान पे, सब कुछ छोड़ा हुआ है। लोग क्या कह रहे हैं, समाज क्या कह रहा है, किसी चीज़ से उनको फ़र्क नहीं है, ठीक है। आपको बहुत मिस करते हैं, आपको लेकर सोचते हैं, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है वो सब उनको याद आता है, ठीक है। आपके साथ इस रिलेशनशिप में सक्सेस देखते हैं और सक्सेस मिलेगी भी, क्योंकि ये नेक्स्ट एक्शन का कार्ड है। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, पायल नंबर 2। देखती हूँ यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है, प्लीज गाइड करें। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, ओके। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली आप दोनों का जो कमिटमेंट है वो टेस्ट हो रहा है, भगवान टेस्ट कर रहा है, परीक्षा चल रही है आप लोगों की, इसीलिए टावर मोमेंट आ रहा है, इसीलिए ब्रेकअप हो रहा है। भगवान चेक कर रहे हैं कि आप दोनों कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से और कितना स्ट्रगल कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि आप भगवान को तो नहीं भूल गए, सो डेफिनेटली मैनिफेस्ट करते रहिए। साथ ही साथ अपने डर पे काम करिए, हो सकता है आपके पार्टनर हिम्मत ही ना कर पा रहे हों आपकी तरफ एक्शन लेने की। तो यहाँ पे एक फेरी क्लाइमैक्स आने वाला है, आपको दिखाना है कि आप क्या हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर पे काम करना है। आपका जो भी हार्ड वर्क आपने किया है, चाहे इस रिलेशनशिप में चाहे अपने लाइफ में, वो पे ऑफ होगा, ठीक है। बहुत खूबसूरत कहा है एंजल्स ने, देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए, प्लीज गाइड कर एंजल्स। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, लुक फॉर अ साइन, 2 कार्ड्स दिए हैं एंजल्स ने। कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की जरूरत है बहुत ज्यादा, बातचीत में आप ज़ुबान से क्या बोल रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। तो अपनी ज़ुबान को हमेशा मीठी रखें, किसी के लिए भी, ठीक है। चाहे वो आपको हर्ट करे, कितना दिन हर्ट करेगा, अगर वो डेविल एनर्जी में भी हैं, अगर आपको हर्ट करके उनको खुशी मिलती है, या उनको क्या, किसी को भी लाइफ में अगर आपको हर्ट करके, अभी मेरे कमेंट में आप सब इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग आ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं हुआ है, ये इनके खुद के ही लोग हो सकते हैं, या मुझे विश्वास नहीं है, या कुछ भी, ठीक है। मैं कभी भी रिएक्ट ही नहीं करती, क्यों करना रिएक्ट। डेफिनेटली आज वो बोल रहे हैं, कल को भगवान से मैं यही प्रे करती हूँ कि जो मेरे लिए अगर एक लाइन भी कुछ लिख रहे हैं तो उनकी परेशानी दूर हो जाए, ठीक। चाहे वो मेरे लिए अच्छा लिख रहे हैं, चाहे वो मेरे लिए या किसी के लिए भी गलत लिख रहे हैं, ठीक है। सो हमेशा अपने दिल से पॉजिटिव ही रहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। सो आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन में ये ध्यान रखना है कि आपके दिल में जो भी गुस्सा है अपने पार्टनर से या अपनी लाइफ से, वो आप किसी और को ना दें। पॉजिटिव रहिए, कम्युनिकेशन में ध्यान दीजिए, आप प्यार देंगे आपको बदले में प्यार ही मिलेगा। एंड लुक फॉर अ साइन, हो सकता है किसी तरह की साइंस, सिंक्रोनिसिटीज आप लोगों को दिख रही हों, तो आपको उन साइंस को नोटिस करना है कि एंजल्स आपसे एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे नंबर्स के मीनिंग्स ऑलरेडी दिए हैं, आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं या उस नंबर का क्या मतलब है, ताकि आपको पता रहे कि आपको एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं, क्या करना है आपको, ठीक है। सो ये है पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती हो और आपसे रेजोनेट करती हो, तो
तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल टैरेट विद एम सिंह को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।